हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं अपना पूरा किचन आज डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो मुझे लगा वीडियो का स्टार्ट करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो कुछ डब्बे मैंने पूरे बाहर निकाल चुके हैं और कुछ डब्बे अभी मुझे निकालने हैं, तो मैंने ये सब डब्बे निकाल दिए, तो फिर मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उसके बाद मैं सूट करना स्टार्ट की। तो जस्ट हम लोग नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं अभी और नाश्ता वगैरह कर लिए, मतलब वही। और कुछ डब्बे देखिए मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं और देखते देखते कितने सारे डब्बे हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रूट्स के सारे छिलके पड़े हुए हैं, अभी ये सब भी क्लीन करना है। और अब जो छोटे डब्बे होते हैं ना, जो मैं इसमें रखती हूँ, उसको मैं एक थैली ली हूँ और उसमें करके रखती हूँ, ताकि जब मुझे रखना पड़े ना तो बस यही थैली लेके आऊँ, एक एक करके क्लीन करके जहाँ जो रखा जाता है रखूँ। नहीं तो फिर ऐसे डब्बे ना, कहीं कुछ रख दो कहीं कुछ रख दो, और ऐसे मुझे पता है कि ये डब्बे इसी कैबिनेट में रखने हैं, तो आके सिर्फ कपड़े से पोंछ के मुझे उसे रखना है। और सारे बर्तन तो इधर मैंने निकाल ही दिए हैं। और देखते देखते इतने सारे डब्बे हो जाते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो बिल्कुल भी डब्बे नहीं थे, मुझे एक एक करके डब्बे लेने पड़ते थे, लेकिन अभी तो इतने ज़्यादा ही हो गए हैं कि मैं जो चीज़ सामान लेके आती हूँ ना, अगर कभी डब्बा मिला रहता है तो उसको मैं तुरंत लगे हाथ फेंक देती हूँ। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेरी खाली हो गई, सारे कैबिनेट खाली हो गए हैं। और अब मैं इत्मीनान से एक कप चाय बनाती हूँ, बैठ के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद लगती हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ किचन खाली की हूँ, अभी क्लीन वगैरह करने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो गया है, चाय के जो कप थे बर्तन थे वो मैं पानी में डाल दे रही हूँ। और अब मैं अपना गैस दिखाती हूँ। और कुछ दिन पहले मैं अपना किचन का टूर दी थी, उसमें मैं गैस तो दिखाई थी, बट पूरा डिटेल में उस टाइम मुझे ख्याल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे, कि मैं गैस अच्छे से दिखाऊं। तो अभी चलिए इसमें मैं जैसे जैसे क्लीन करते रहूंगी आप लोग देख ही लेंगे। तो इसमें चार बर्नल दिए रहते हैं, उसके नीचे ऐसे ये जो प्लेट दी रहती है, ताकि जब कुछ गिरे ना तो उसी पर गिरे। और देखिए मेरी चाय की, रात में ऐसे चाय वाय गिर गया था, तो चाय वाय गिरता है तो तुरंत उठा के पोंछ लो, नहीं तो फिर वो कटकट हो जाता है। और यहाँ पे मैं पहले स्प्रे डाल देती हूँ, इसीलिए मैं चाय बना के पी ली, नहीं तो फिर ये स्प्रे वगैरह कुछ देर छोड़ूंगी ना तो फिर चाय ना बना पाती। तो चाय गैस ठंडा होता, उसके बाद मैं स्प्रे मार सकती थी। तो चाय वगैरह बना के पी लिए हैं। और ये जो चारों बर्नल दिख रहा है ना, अभी मैं उठा के दिखाती हूँ कि चाय वगैरह अगर गिर भी जाती है तो कहाँ जा कर अटकती है। तो क्योंकि इसके नीचे ही माइक्रोवेव है ना, तो उसमें नहीं निकल, माइक्रोवेव में नहीं गिरती है, नीचे एक ट्रे टाइप दिया होता है उसी पे गिरती है, और वहीं से आप क्लीन कर लीजिए। अभी मैं क्लीन करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चारों प्लेट अच्छे से माँज दूंगी, और इसको मैं हमेशा डेली ही मतलब माँजते रहती हूँ। अगर कुछ गिर गया तो तुरंत ही लगे हाथ इसको क्लीन कर देती हूँ, अगर नहीं गिरा है तो फिर ऐसे ही पोंछ देती हूँ, जरूरी नहीं कि निकाल के इसको क्लीन करूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो चाय ऐसी चीज़ है कि कितना भी याद करे रहो ना, थोड़ा सा तो गिर ही जाता है, जैसे कल ये गिर गया था। तो जो भी चाय है, दूध है, कुछ भी आपका गिरता है ना तो यहीं पे आता है, यहीं पे अटका रहता है और इससे नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से तुरंत लगे हाथ क्लीन कर लो। बहुत दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं नई नई आती तो चीज़ें जब बहती हैं तो कहाँ चली जाती हैं, फिर बाद में इनसे पूछी तो लेकर इसको उठाओगे तो फिर नीचे ही तुम्हें ढेर सारा जो गिरा रहता है वहीं अटका रहता है। तो धीरे धीरे जाके ये सभी चीज़ें समझी। और चाय ही ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा गिरने में आती है, और कोई चीज़ तो ऐसे गिरती नहीं, क्योंकि दूध यहाँ पे क्या रहता है ना, केन में लेके आते हैं, डब्बे गैलन में लेके आते हैं, तो उसको उबालना नहीं होता डेली, डायरेक्ट मैं अपने चाय में डाल सकते हैं, बस वही पीने वगैरह के लिए हो तो फिर आप उसको गर्म कर सकते हैं। तो दूध गिरने का डेली नहीं कुछ भी ऐसा रहता कि दूध वगैरह गलती से भी गिरे, सिर्फ चाय गिरने का रहता है। और वैसे भी जब क्लीन करती हूँ तो डेली एक बार उठा के कर लेती हूँ, क्योंकि जब रोटी वगैरह सेकती हूँ ना तो थोड़ा रोटी का आटा वगैरह तो गिरता ही रहता है। और ये मैं जब टूर दी थी तो ये अच्छे से नहीं दिखाई थी। और ये इलेक्ट्रिक गैस है, मतलब पाइपलाइन वाला जो होता है ना इंडिया में जैसे रहता है वो वैसा नहीं है, यहाँ बहुत अपार्टमेंट में रहता है वैसा भी, ये क्वाइल है, मतलब एक तरह से इंडक्शन गैस समझिए ऐसे टाइप में है, और इस पर इंडक्शन वाले ही बर्तन चढ़ते हैं, वो वाले बर्तन जैसे गैस पे वाले बर्तन होते हैं ना गोल, जिसका नीचे का तली होता है, वैसे बर्तन नहीं चढ़ पाते हैं, जो एकदम इंडक्शन में इंडिया में चढ़ते हैं ना वैसे ही बर्तन चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ओवन भी मैं क्लीन कर ली हूँ और गैस मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी तो एक दो बार और पोछूंगी तब जाके इसका, जो ऐसे पोछते रहो ना, अभी स्प्रे डाली हूँ तो एक दो बार और पोछूंगी तब जाके अच्छे से क्लीन होगा।
और उसके बाद मैं ये सारा बर्नल सेट कर देती हूँ। और इसमें आपको होल दिख रहा होगा ना, जो बड़े बड़े भी मैं लगाई नहीं हूँ, सिर्फ उसी में ले जाके सेट कर देंगे और फिर वो चलने लगेगा। और बहुत लोग इसमें अल्मोनियम फॉयल भी लगा के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में मना किया गया है क्योंकि उससे आग वगैरह लगने की भी डर रहती है, तो यहाँ पे सोसाइटी में मना किए हैं कि नहीं लगाना है, तो हम लोग नहीं लगाते हैं। और गैस अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं नीचे का जो फर्श है ना, उसको भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी डब्बे वगैरह निकाले ना, तो डब्बे वगैरह निकालते निकालते नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, तो मैंने एक बार उसको क्लीन कर दिया है, नहीं पैर पैर से पूरे घर में फैल जाएगा वो। तो फर्श क्लीन करने के बाद में अब मैं सारा कैबिनेट, एक वैक्यूम ली हूँ, छोटा वैक्यूम जो होता है, उससे मैं सारा कचड़ा वगैरह निकाल लूँगी। वैसे ब्रश करके निकालो ना, जो छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं वो उस वहीं पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैक्यूम में कितने सारे कचड़े आ गए हैं, जो हमें दिखते भी नहीं है, एकदम कोने कोने में छिपे रहते हैं। तो और जो ड्रावर मुझे खींच के बाहर निकालने वाली होती ना, उसको मैं खींच के बाहर निकाल ली हूँ, और उसका भी वैक्यूम अच्छे से कर करके डिश वाइप करते जा रही हूँ, उसको वाइप से अच्छे से पोंछते जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पोछ जाए। और अभी तुरंत नहीं लगाऊंगी क्योंकि डिश वाइप से पोछ रही हूँ ना, तो थोड़ा गीला रहेगा तो थोड़ा सूख जाएगा, तब मैं वो करूँगी। और ये माइक्रोवेव के नीचे, सॉरी ओवन के नीचे दिया होता है, ऐसे बेकिंग का सामान लोग यहाँ पर रखते हैं, लेकिन हम आलू प्याज ऐसे रखते हैं अपना लहसुन, तो उसका सारा छिलका वगैरह इसमें रह जाता है। तो ये मैं बड़े वैक्यूम से खींच ले रही हूँ और वो भी क्लीन हो गया। और अब मैं पूरा वाइप कर दूंगी अच्छे से, जो भी दाग धब्बे लगे रहते हैं ना, उसको अच्छे से वाइप कर दो तो किचन एकदम क्लीन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे धब्बे धब्बे लग रहे हैं ना, अच्छे से उसको वाइप लेके क्लीन करूंगी और नीचे का पूरा एक बार क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद देखिए ऐसे फ्रिज को खींच के बाहर निकालेंगे ना, तो फ्रिज में भी देखिए पीछे ऐसे गिर जाते हैं, जो कि काम करते करते गिर ही जाते हैं। तो ये सब डेली का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दिन पे ऐसे ना करो ना, तो फ्रिज के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिर जाती हैं और जो कि डेली क्लीन नहीं हो पाती है। तो उसके बाद हम लोग फ्रिज निकाल के क्लीन किए और वैसे ही निकल जाता है, बिल्कुल जैसे फ्रिज खींच के निकालते हैं बाहर ना, वैसे गैस भी खींच के निकल जाएगा। और वैसे ही सेम उसको भी वैक्यूम से पूरा कचरा खींचे, और ये भी देखिए स्पंज मेरा ख़राब हो गया है और गैस के पीछे भी पोछा लगाया। और सिंक को अब मैं अच्छे से मांज रही हूँ, और एक बार अच्छे से स्क्रबर से मांज दीजिए ना, तो सिंक बहुत चमकने लगता है फिर। तो एक एक करके किचन अभी क्लीन कर रही हूँ, तो शेव स्लैब वगैरह भी अच्छे से मैं पोछ दी थी, प्लेटफॉर्म वगैरह गैस का। तो ये देखिए मेरा किचन नीचे नीचे का तो क्लीन हो गया, अभी फर्श वगैरह क्लीन नहीं की हूँ, तो नीचे का सारा कैबिनेट, गैस सिंक और स्लैब, फ्रिज के पीछे, गैस के पीछे सब क्लीन हो गया है। और ऊपर का कैबिनेट भी मैं वैक्यूम कर दी हूँ, वीडियो शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि मुझे एडिटिंग करने में भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अभी ये सब देखने में इतने लग रहा है ना जल्दी जल्दी, लेकिन उसको करो तो फिर आधे घंटे तक लग जाते हैं, और कहीं कहीं तो इतने फास्ट कर दी हूँ। और ऊपर मैं सब क्लीन करने के बाद में अब नीचे का फर्श में पोछा लगाई अच्छे से उसको फर्श पे, क्योंकि वो भी मैं वीडियो एडिट में डिलीट कर दी, निकाल दी मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था वीडियो। तो उसके बाद मैं कारपेट लगा दी हूँ, और ये कारपेट भी वॉशिंग मशीन में डाल के धुल सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं धो रही हूँ, और ये हम मैं कुछ कुछ दिन पे धोते रहती हूँ, और कुछ कुछ दिन पे नहीं, कुछ कुछ महीनों पे। और उसके बाद मैं कारपेट का वैक्यूम कर दी हूँ, क्योंकि जितने भी नीचे कचड़े वगैरह रहेंगे ना वो क्लीन हो जाएंगे। तो पूरा फाइनली मेरा किचन मॉर्निंग के टाइम ही क्लीन हो गया है, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि ये देखने में लगा कि इतनी जल्दी हो गया, बट इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। पूरा किचन खाली करो, पूरा किचन अच्छे से क्लीन करो। तो यहाँ पे देखिए गैस से लेके सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है, और ये करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग तो किचन में ही रहते हैं, और किचन अगर साफ रहता है ना तो काम करने में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। तो यहाँ पे किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, और ये अब सूख जाएगा ना, तो फिर मैं इसको सेट कर दूंगी। और अब तुरंत गई मैं नहा के आई, क्योंकि किचन इतना क्लीन की थी ना, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, तो बैठने का भी मन नहीं हो रहा था, तो अच्छे से गई अभी नहा के आई, और लग गई है बहुत तेज़ भूख। तो फिर खाना वगैरह तो अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तुरंत मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो तुरंत नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैगी बनाई हूँ, इनको भी दूंगी और अपने भी खाऊंगी। तो फिर देखती हूँ खाना वगैरह फिर क्या बनाऊंगी। और इसी के साथ वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझे पूरा किचन देखना है तो मैं किचन टूर
अमेरिका का करके ऐसे डाली हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा।